फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं बिल्कुल हर की पौड़ी पे। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे हर की पौड़ी का पुल है, जैसे अभी हम क्रॉस कर गए हैं, और ये गंगा जी की धारा है आपके सामने। गंगा का प्रवाह इस वक्त पूरी बहुत तेज है, पूरी तरीके से है, पानी बिल्कुल भी नहीं रोका गया है, दोनों तरफ ही पानी बहुत अच्छा है और बहुत साफ़ है। आप देख सकते हैं जल बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीचे तक का दिखाई पड़ रहा है इस वक्त जल में। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। घाट को भी अभी यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है, काम हुआ है, तो बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। बैठने की व्यवस्था है, चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं लेडीज़ों के लिए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। मैं जस्ट अभी यहाँ पे जो घंटा घर है, यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, यहाँ पे हूँ जस्ट उसके नीचे। और आप देख पा रहे होंगे वो शंकर जी की मूर्ति है, गंगा जी का प्रवाह कितनी तेज़ है यहाँ पर। 30 तारीख को यहाँ पे ना आए क्योंकि हर की पौड़ी बंद है COVID-19 की वजह से। बाकी आप आ सकते हैं यहाँ पे स्नान के लिए, पूजा के लिए। अब मैं आपको दूसरी तरफ का जो घाट है जहाँ पे लोग नहाते हैं उधर की तरफ लेके चलता हूँ। भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं। गंगा आरती के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम आ गए हैं उस तरफ जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, जिसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। ब्रह्मकुंड का बस यहाँ से थोड़ा सा ही है, ये देखिए। लोग नहा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, प्रवाह बहुत अच्छा है, जल बहुत साफ है। तो फ्रेंड्स आप प्लान बनाइए, आइए हरिद्वार, गंगा जी में स्नान कीजिए। और इस वक्त बहुत सही मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकल रही है, और ऐसे में गंगा जी के जल में स्नान करने का अपना ही मज़ा है। तो ये उपयुक्त समय है, आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही जेन्युइन रेट में है। हमने होटल लिया है यहाँ से, घाट से लगभग 5 मिनट की दूरी पर है, और हमें 400 रुपये में मिला है कमरा, 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिला है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, फिर एक वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे।